तो मैंने इस जगह पर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है चिकन वाला और पड़ा 10,000। सब पिंक पिंक कलर में है, लोगों को पिंक बहुत पसंद है। तो मैंने 15 लाख गुआने निकाले, 15 लाख में। और ये जो एक उत्तर देश का कैपिटल है, इसका कोई फील ही नहीं आ रहा है। बेनवेनिडोस ए पैराग्वे, स्वागत है पैराग्वे में, मेरी कंट्री नंबर 36, जहाँ पर मैं आया था बोलिविया से, टेकिंग द ट्रबलसम बस रूट जो आपने देखा है लास्ट वीडियो में। और फिर आने के बाद मैंने एक्सचेंज करा लिए पैसे, मैंने $10 एक्सचेंज किए और मुझे मिले 6,000 गुआने अभी। और रात को ही आ गया अपने हॉस्टल के यहाँ। Possible? और इस वीडियो में दिखाने वाला हूं द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ दिस कैपिटल सिटी असुनसियोन एंड इट्स करेंसी। सो लेट्स एक्सप्लोर पैराग्वे विद एक्सप्लोरर राजा। ये मेरी आज की कोशिश है पैसे निकालने की। मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ 25.5 लाख वो, यानी निकालने नहीं दे रहे, लगता है सिर्फ इतने अलाउड है। पच्चीस हज़ार गुआ नहीं, मतलब तकरीबन 300 रुपये चार्ज कर रहे हैं पैसे निकालने के लिए। आ रहे पैसे लगते तो 1 रुपये मतलब 90 गुआ नहीं, और 1100 रुपये का मतलब है तकरीबन 1 लाख गुआ नहीं। सुबह से मैंने बहुत से एटीएम ट्राई किए पर फाइनली एक एटीएम पे मुझे पैसा मिला, और मिला तो देखो कितना, एक एक नोट है 1 लाख का, लिखा है 100 मिल, मिल का मतलब 1000, तो 100 मिल हो गया 1 लाख। 1 लाख के एक एक नोट मिले मुझे, और टोटल में देखिए कितना है, 15 लाख तकरीबन, मान लीजिए 16,000 रुपये निकाले मैंने। अब एक तो बैंक में कितने कटे हैं, तो मैंने 15 लाख गुआने निकाले, 15 लाख मेरे पास 15 लाख कैश है अभी, और मेरे बैंक से कट रहे हैं SBI के मास्टर कार्ड से 16,809 रुपये, क्योंकि एक्चुअली मैंने निकाले 15 लाख 25,000 गुआनी, क्योंकि 25,000 गुआनी मेरे टैक्स कटे, तो 15 लाख 25,000 गुआनी के मैंने कटे 16,809 रुपये, जिसके कन्वर्शन रेट में बढ़ता है 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 90.9 गुआनी, जबकि इंटरनेट में रेट है 91 गुआनी, तो एकदम एक्यूरेट जैसा ही है, बस थोड़ा 19-20 का फर्क है। SBI का मास्टर कार्ड बहुत अच्छा है, SBI का वीज़ा कार्ड अच्छा नहीं है। तो जब आप इंटरनेशनली विड्रॉल करो तो हर वक्त मास्टर कार्ड से विड्रॉल करो, वीज़ा से मत करो, क्योंकि वीज़ा बकवास है। और ये बारिश बकवास है, मैं भीग रहा हूँ। तो स्वागत है असुनसियोन पैराग्वे में, और जैसे कि आपको पता नहीं है कि पैराग्वे में कुछ है नहीं खास करने को, किसी को नहीं पता कि पैराग्वे में कुछ खास करने को क्या है, तो मैं आ गया 20 दिन का टाइम लेके। आज है 8 तारीख, 21 फरवरी तक मैं हूँ पैराग्वे में, मतलब 21 दिन और। काम क्या है, पहला काम ब्राज़ील का वीज़ा निकालना, जिसके लग जाएंगे 1 हफ्ते, और दूसरा काम पता करना कि पैराग्वे में क्या है करने के लिए। फिलहाल मुझे एक भी वॉलंटियरिंग का ऑप्शन नहीं मिला है, क्योंकि वर्ल्ड कप में पैराग्वे में कुछ है ही नहीं, पर मैं ढूंढ रहा हूँ, अभी हॉस्टल जा रहा हूँ बात करने, अगर बात बनी तो बढ़िया है, और अगर बात नहीं बनी तो देखा जाएगा। कल कुछ खास है, बहुत दिनों बाद शुरू या फिर जैसा भी कह लो, देसी फीलिंग मिलेगा कल नेक्स्ट वाला वीडियो में शायद। और ये जो एक इतने देश का कैपिटल है, इसका कोई फील ही नहीं आ रहा है, जो फील बुनस आयर्स में बहुत आ रहा था, जो फील सांटियागो में भर भर के आया था, लापाज़ में आया, इसमें वो कोई फील ही नहीं है कि ये कैपिटल है, एकदम शहर हल्का है। आई थिंक सैटरडे उस लिए, मंडे को फील आएगा, पर फिलहाल एकदम इंडिया का टायर 2 सिटी लग रहा है भाई। स्मेल भी वैसा है, वेदर भी वैसा है। मुझे कॉफ़ी चाहिए इस गर्मी में, नहीं कड़क चाय चाहिए थी। वैसे देखा जाए तो चीज़ें बोलिविया से महंगी, पर पूरे साउथ अमेरिका के दूसरे कंट्री से सस्ती है। अभी देखा डीजल का प्राइस है 50 रुपये पर लीटर, और पेट्रोल का है तकरीबन 70 रुपये पर लीटर। इंडिया जैसा है ना, इंडिया में क्या है अभी कुछ पता नहीं, 7 महीने हो चुके हैं, सब लुल।
अब इंडियन सिटीजन नहीं रहा, आई एम NRI. बिल्डिंग्स यहाँ पे एकदम भी साउथ रोम के दूसरे शहरों जैसा नहीं है. यहाँ बिल्डिंग्स बहुत अगली है, बड़े बड़े अगली बिल्डिंग्स जो कि मॉडर्न है. कुछ भी आर्किटेक्चरल ग्रेट नहीं है और कुछ भी खूबसूरत पेंटिंग्स नहीं है. और यहाँ पे अरे खाली वायलिन का बॉक्स है, भर्ती होता तो मैं उठा लेता क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत आता है बजाना वायलिन. बाकी अभी मैं जा रहा हूँ फिर से शहर के अंदर, डिनर खरीदना है, देखना है बाकी कुछ. शनिवार रात के सिर्फ 8:30 बज रहे और यहाँ पे रास्ते में कुछ नहीं है. ये हालत होता है एक देश में जहाँ पे कोई घूमने आता है. अरे अपने यहाँ भी तो शनिवार रात को अभी बहुत लोग रहते हैं रास्ते में और अभी सिर्फ 8:30 बज रहे, लग रहा है कि रात के 2-3 बजे चल रहे हैं. गर्मी बहुत है, चल रहा है ऐसे ही. ऐसे में मिला कौन सा हैंग आउट से, बाकी चलते जाओ चलते जाओ. छोटे से पार्टी में आए अभी, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ 10-15 लोग हैं. क्या व्हाट लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग इस इस अमित इस कुकिंग अमित. नो इट्स ओके, नो आई हैव बीन शोइंग दिस ऑल ऑल माय लाइफ. हमें मैं यहाँ के डियांग को मेडल को सी तो तने मुझे को मिया क्या रजू राज में है. तो मैंने इस जगह पे पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है चिकन वाला और पड़ा 10,000. 10,000 गुआनी यानी अपना 111 रुपये वैसा ही है. सस्ता है, ठीक ठाक है, अपना सब लोकल जगह है, खाते हैं खाने का मत मिलता है. बहुत ही अच्छा जगह था पर मैं निकल पड़ा क्योंकि बज रही रात के 9:20 और इस शहर सेफ तो है बहुत ही, पर सेफ फील नहीं आता है क्योंकि रास्ते में आदमी नहीं है, दुकान पाट सब बंद है, अगर कुछ हुआ भी मैं किसके पास भागूँ. वेल ये सब बातें छोड़ते हैं. पिज़्ज़ा बहुत ही बढ़िया था, बिना कटा हुआ था, मेरे को काटना पड़ा जो मुझे एकदम पसंद नहीं, पर मैंने उन लोगों को बोला कि तीखा बनाओ और सही में तीखा था. आज है पूर्णिमा, चाँद एकदम खिला खिला सा है. एक काम करते हैं फटाफट चल के आते हैं हॉस्टल. फरवरी का महीना था और रास्ते में लोग थोड़े कम थे क्योंकि यहाँ पे चल रहा था हार्डकोर समर और लोकल्स का मानना था कि ज़्यादातर लोग घूमने गए दूसरे जगह पे. वेल इसे मैं यकीन नहीं करता, पैराग्वे में सच में लोग बहुत ही कम हैं. रास्ते में आपको मिल जाएंगे कई सारे होमलेस पर ऐसे लोग मज़े करते हुए या फिर चलते हुए बहुत ही कम दिखेंगे. खूबसूरत है ना, बहुत ही खूबसूरत है. और ये था मेरा हॉस्टल इन असुनसियोन पैराग्वे फॉर 2 वीक्स जहाँ पे एक खूबसूरत पूल था और एक गार्डन था. ये मेरे हॉस्टल की खासियत नहीं थी, मुझे बाद में पता चला कि असुनसियोन और पैराग्वे में ये बहुत ही कॉमन वे ऑफ हैविंग हॉस्टल्स क्योंकि ये बहुत ही ट्रॉपिकल एरिया है, लोग दिन में 2-3 बार पूल में जाती रहते हैं. पर लिविंग रूम और बेडरूम में था एसी तो चिल माहौल था, था बड़ा टीवी जहाँ पे नेटफ्लिक्स था फ्री. तो इस हॉस्टल के मुझे देने पड़े सिर्फ 350 रुपये पर मुझे बहुत मज़ा आया और एक की भी मिल गया था, जब चाहो घुसो और निकल जाओ. तो ये लगता है ट्रेन स्टेशन है जो बंद हो गया है और ट्रैक्स भी मिट चुके हैं. तो लाइक एनी अदर साउथ अफ्रीकन कंट्री पैराग्वे एक स्पेनिश कॉलोनी, तो यहाँ पे मेन लैंग्वेज है स्पेनिश, पर स्पेनिश के साथ साथ एक और लैंग्वेज है जो कि इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है गुआनी. गुआनी जी हाँ, सेम नाम एज इट्स करेंसी. और यहाँ पे मुझे कई सारे लोग मिले जो कि स्पेनिश नहीं जानते पर सिर्फ गुआनी में बात करते, पर स्पेनिश से काम बन जाएगा तो ज़रा स्पेनिश सीख के आना. पता नहीं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं पर पीछे बहुत दिन बाद एक रेनबो दिखा, लास्ट अर्जेंटीना में दिखा था, चिली में नहीं, लास्ट दिखा था सलार देवनी में, फिर से अभी दिख गया. और ये कैथीड्रल डी असुनसियोन और सामने है अपना नदी, उसका भी दर्शन कर लेते हैं.
ये है पैराग्वे का लेजिस्लेटिव पैलेस, मतलब ऑफिस। सब पिंक पिंक कलर में है, लोगों को पिंक बहुत पसंद है, तो बढ़िया है। El Palacio de López. ¿De? López. ¿López qué? Es un ex presidente de Paraguay. Ah, तो एक पैलेस है सामने जहाँ पे हम लोग आए हैं। तो फोटो में तो बढ़िया लग रहा था, अभी कैमरा में एकदम घटिया लग रहा है। आए अपने एक जन थे हॉस्टल में, दोनों बोर्ड थे, कुछ करने का नहीं है, तो सोचा आके घूम लेते हैं। इधर है नदी किनारा, जाके दिखाते हैं। फिलहाल रात का वेट करते हैं, रात में खूबसूरत लगेगा। तो हम लोग आ गए थे असुनसियोन में पैराग्वे रिवर फ्रंट, और सामने जो पैलेस दिख रहा है, अगर आप सर्च करोगे गूगल में थिंग्स टू डू इन असुनसियोन, तो आपको यही पैलेस आएगा लिस्ट में नंबर वन। अभी बेकार लग रहा है। आरा ना, आरा दे। फोटो में हम लोग को चूना लगाया गया, यहाँ पे भी एकदम बेकार है, रात में भी कुछ खास नहीं दिख रहा है, पर वेदर बहुत अच्छा है, नदी से ठंडी हवा आ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोलकाता के घाट में बैठा हूँ, मतलब घाट के उधर जैसा हवा आता है, बहुत आरामदायक है। बस सिक्योरिटी कुशन थोड़ा कम है, बाकी सब बढ़िया है। बज रहे 8:10, तो एक घंटे में निकल जाना चाहिए, मतलब 9 बजे के बाद तो मत ही रहो, क्योंकि इधर ज़्यादा आदमी दिखते हैं, सेंटर में कम आदमी दिखते हैं। GoPro की लो लाइट कैपेबिलिटी आपको पता है, तो एकदम घटिया दिख रहा होगा, क्या कर सकते हैं। तो रिव्यूज़ आएंगे तभी अच्छा कैमरा लूँगा ना रात के लिए, पर दिन में देख लिया आप लोगों ने, काफ़ी है। That's it from my first video from the capital of Paraguay. इतना तो देख लिया, I'm sure आप लोगों को अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाकी आपको पता है आपको क्या करना है कि नहीं करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, दिखाने वाला हूँ मैं कुछ अच्छा इंडियन सा। मिलते हैं।